यूपी सरकार की कायाकल्प योजना में धांधली देखने को मिली है। दरअसल यूपी सरकार के अफसर जीरो टॉलरेंस पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, पानी फेर रहे हैं सरकार की नीति पर, जहां बिना किसी प्रस्ताव फर्जी फर्म के नाम टेंडर दिया गया और वहीं शिकायत पर उप निदेशक पंचायती राज ने पत्राचार किया, जहां पत्राचार में फर्जी निकला है ये फर्म का पता। तो कानपुर देहात के 1600 प्राथमिक विद्यालय में गोलमाल देखने को मिला है, जहां पर 674 जूनियर स्कूलों में ब्लैक बोर्ड के नाम पर करोड़ों का खेल खेला गया। तो स्कूलों में ब्लैक बोर्ड के स्थान पर मैग्नेटिक ग्रीन बोर्ड की सप्लाई की गई, जहां पर 2 से 3 हजार की इनकी कीमत होती है, लेकिन ब्लैक बोर्ड की जो कीमत है वो बिल में 10 हजार दिखाई गई। तो कागजों पर संचालित फर्म यूनिक इंफ्रा प्रोजेक्ट कानपुर को ये टेंडर दिया गया, जहां पर ये फर्म जिसका पता दिया गया वहां पर वो कार्यालय है ही नहीं। तो मंडलीय अफसरों ने फर्जी फर्म संचालक समेत भ्रष्टाचार की आशंका जताई है, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी समेत विभागीय अफसरों से स्पष्टीकरण इसको लेकर मांगा गया है और उच्च अधिकारियों ने मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जिस ब्लैक बोर्ड की कीमत बाजार में कम है वो लगभग 2-2.5 गुने कीमत बढ़ाकर प्रधानों से भुगतान का दबाव बनाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से विकास भवन के कोई अधिकारी इस घोटाले में निश्चित सम्मिलित है। एक यूनिक इंफ्रा प्राइवेट कंपनी नाम के डीलर द्वारा जो है कानपुर देहात में बड़े पैमाने पर जो है प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालयों में मैग्नेटिक ग्रीन चाक बोर्ड का सप्लाई किया जा रहा है। मैंने इसके वाउचर को प्राप्त करके जब अपने कार्यालय से रजिस्टर डाक से उसके पते पर भेजा तो रजिस्ट्री वापस आ गई कि यहाँ इस नाम की कोई फर्म जो है इस पते पर नहीं रहा।